दोस्तों, कर्मयोनि चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हम हमेशा ज्ञानवर्धक भक्तिमयी कथाएं लेकर आते हैं ताकि हमारे मन का अंधेरा सदा के लिए दूर हो सके और हम सच्चे ज्ञान तथा ईश्वर की प्राप्ति कर सकें। दोस्तों, पिछली कथा में हमने माँ के 10 महाविद्या रूपों के नाम तथा उनकी उत्पत्ति के कारण को जाना था। इस भाग में हम माँ के महाविद्या रूपों की कथाओं का श्रवण करेंगे। आज की कथा माँ भगवती के पहले विद्या रूप माँ महाकाली की है। चलिए हम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। माँ सती का यह विद्या रूप महाविद्याओं में सर्वप्रथम कहलाता है। महाविद्या इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह सबसे भीषण और सभी गुणों में उच्च थी। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले माँ काली महाविद्या को ही अपने तेज से प्रकट किया था। महाविद्या माँ काली का तेज अत्यधिक भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला था। इनका रंग एकदम काला था तथा केश खुले हुए थे। उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, अर्थात माता नग्न अवस्था में थी। उनकी भगवान शिव की भांति 3 आंखें थी। साथ ही माँ काली के 4 हाथ थे, जिसमें से एक हाथ में कटा हुआ राक्षस का सिर, दूसरे हाथ में खड़क, तीसरे हाथ में वरदान की मुद्रा और चौथा हाथ अभय मुद्रा में था। माँ काली के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला बंधी हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राक्षसों के नर मुंडों की एक माला अपने पीठ पर कमरबंद के रूप में बांधी हुई थी। उनकी जीभ अत्यधिक लंबी व लाल थी, जिससे रक्त टपक रहा था। अन्य कुछ रूपों में माँ काली का उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग चित्रण किया गया है। आइए एक एक करके उन रूपों के बारे में हम जानते हैं, जिनमें सर्वप्रथम हम जानते हैं माँ काली का जीभ निकला हुआ रूप। जब माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था और वे भयंकर नृत्य कर रही होती हैं, तब भगवान शिव उन्हें शांत करने के लिए मृत अवस्था में उनके चरणों के नीचे लेट जाते हैं। भगवान शिव, जो कि माँ काली के इष्ट में से एक हैं, जो उनके पति हैं, अपने पुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार करती हैं और अपने चरणों में देख करके माँ काली की जीभ निकल आती है। इसलिए माँ काली के इस रूप में वे जीभ निकली हुई प्रतीत होती हैं और यह रूप बहुत ही विख्यात है। माँ काली का चामुंडा रूप। इस रूप में माँ काली की खड़क से निरंतर रक्त बहता हुआ दिखाई देता है और वे कई राक्षसों के सिर को धारण किए हुए रहती हैं। इस रूप में माता काली ने चंड व मुंड नाम के 2 राक्षसों का उनकी सेना सहित वध किया था। चंड व मुंड का वध करने के कारण ही माँ काली का नाम चामुंडा देवी पड़ा था। अब माँ काली का कालरात्रि रूप को जानते हैं। इस रूप में माँ काली अपने 4 हाथों में से एक हाथ में राक्षस का कटा हुआ सिर पकड़ती है, जिसमें से रक्त टपक रहा होता है, तो वही दूसरा हाथ ठीक उसके नीचे एक रक्त भरा कटोरा पकड़े हुए होता है, जो उस रक्त को धरती पर गिरने नहीं देता। तीसरे हाथ में खड़ग होता है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में होता है। साथ ही इस रूप में माँ काली की जीभ अत्यधिक लंबी व रक्त से भरी हुई होती है। माँ काली ने यह रूप रक्त बीज नामक राक्षस का वध करने के लिए लिया था, क्योंकि उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरते ही वह अपना एक और रूप प्रकट कर लेता था। इसलिए माँ काली ने उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था। कालरात्रि माता की पूजा नवरात्रों के 7वें दिन की जाती है। अब काली महाविद्या का महत्व जानते हैं। माँ काली का यह रूप प्रथम महाविद्या होने के साथ साथ हमें कई तरह की शिक्षाएं देकर जाता है।
जिस कारण इसकी महत्ता बढ़ जाती है। जैसे कि काली महाविद्या को समय व परिवर्तन की देवी माना गया है, अर्थात वह समय से परे हैं। उनकी तीन आँखें भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल को प्रदर्शित करती हैं। ब्रह्मांड में समय हमेशा गतिमान है, जिसका प्रतिनिधित्व माँ का यह रूप करता है। माँ का यह भीषण रूप दुष्टों, पापियों व अधर्मियों को अत्यधिक डराने वाला है। इस रूप से माँ का तात्पर्य यह है कि जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो माँ चंडी का रूप धारण कर उनका वध करने में सक्षम होंगी। साथ ही माँ का यह रूप अपने भक्तों को अभय प्रदान करता है। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में है। वह अपने भक्तों के मन से भय को भगाने व आत्मविश्वास को बढ़ाने का परिसूचक है। माँ का एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। इससे वह भक्तों के मन में यह आशा प्रकट करती है कि उनका यह भीषण रूप केवल दुष्टों के लिए ऐसा है, जबकि भक्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा ही बना रहेगा। महाविद्या काली का स्वभाव। माता सती के प्रथम रूप माता काली का स्वभाव भी अपने पति भगवान शिव के समान ही है। जिस प्रकार भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न और क्रोधित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार माँ काली को भी जल्दी क्रोध आ जाता है। भगवान शिव के क्रोधित अवतार को रुद्र अवतार कहा जाता है और माँ काली तो स्वयं क्रोधित अवतार ही हैं। इसलिए माँ काली का स्वभाव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होने वाला और दुष्टों पर जल्द क्रोधित होने वाला होता है। माँ काली जी की साधना के फायदे जानते हैं। यदि आप माँ काली महाविद्या की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। माँ काली की साधना करने से भक्तों के मन से भय दूर होता है व बीमारियों का नाश होता है। माँ काली हमारे मन को अभय बनाने का काम करती हैं। यदि आपको किसी चीज का भय, शत्रु से किसी प्रकार का डर या मन में किसी बात को लेकर आशंका भाव है तो वह माँ काली की पूजा करने से दूर होता है। यदि आप नित्य रूप से माँ काली की पूजा करेंगे तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे आप दृढ़ निश्चय होकर कार्य कर संपन्न कर पाएंगे। माँ काली महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिसमें से सर्वप्रथम महाविद्या काली की पूजा करने का विधान है। माँ काली की दिशा पूर्व है। माँ काली की पूजा की विशेष तिथि अमावस्या की होती है। माँ काली का समय रात्रि का है। माँ काली से संबंधित रुद्र अवतार महाकालेश्वर महादेव हैं। तो दोस्तों, ये थी देवी माँ की 10 महाविद्याओं में प्रथम विद्या माँ महाकाली की कथा। ऐसी और भी अद्भुत कथाओं के लिए हमारे भक्तिमय और ज्ञान के चैनल कर्मयोनि को अभी सब्सक्राइब कर लें, जहाँ हम देवी देवताओं के अद्भुत लीलाओं, उनके रूप, उनके अनेक रूपों का गुणगान और बखान कर आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और करते रहेंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी पर और आपके चाहने वालों पर बनी रहे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।